टाइम हो रहा है रात का, क्या टाइम हो रहा है भाई? 3:15 सवा तीन हो रहे रात के। मैं आया था देहरादून और आज जो है मेरे साथ नितिन जो है मेरा भतीजा, छोटी सी उम्र में चाचा बन गया। तो आज नितिन मेरे को लेके जा रहा है देहरादून के शहदारा की तरफ। अभी जंगल एरिया में घूम रहे हैं हम और मज़ा आ रहा है। अभी आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ कितना अच्छा है, पहाड़ी रास्ता है वैसे। कभी आप आओ तो सहस्त्रधारा तो देहरादून के सहस्त्रधारा में आप आना ना भूलना, बहुत अच्छी जगह है। रात को वैसे हम थोड़ा सा एंजॉय करने आ गए क्योंकि मैं कल या परसों यहाँ से शायद निकल जाऊँगा, फिर घूम ही नहीं पाएंगे हम। नितिन भाई जी, आगे का रास्ता दिखाया जाए। तो गाड़ी रोक के मैंने अभी कैमरा सेट किया है, तो देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। थोड़ा कितनी दूर तक जाएंगे भाई? बस थोड़ा ही आगे है। नीचे जा रहा है रास्ता भाई? अच्छा, तो नितिन ने बताया यहाँ पे समटाइम्स हिरन वगैरह मिल जाते हैं रास्ते में, है ना भाई? लीपर भी मिल जाते हैं, शेर शायद है? हमारी किस्मत सच में लेपर्ड वगैरह है। पूरा भूतिया रास्ता निकल रहा है, अगर कोई बंदा अकेला ड्राइव कर रहा है वो डर जाएगा। एक बार के लिए नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, अगर कोई नया बंदा हो तो एक बार के लिए घबरा सा जाएगा यार, यहाँ कहाँ घुस गया मैं। जय श्री राम। बहुत अच्छा सीन है, बहुत बड़ा सीन है यार। अच्छा जी, जय श्री राम, ओम साई राम। माँ सुरकंडा मंदिर यहीं पे पड़ता है क्या? नाम बहुत सुना है। तो भाई अभी जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ से वापस भी आएंगे? बिल्कुल, यही रास्ता आने का है, यही रास्ता जाने का है। अच्छा, और कितनी दूर तक है ये रास्ता? बस थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर। और उसके बाद क्या है? उसके बाद जंगल आ जाएगा, वापस गाँव आ जाएंगे। यहाँ पे लोग रहते हैं क्या? पूरा फंसा हुआ है। चलो आगे चलो। और ये यहाँ पे आ गया है कोई ब्रिज, सहस्त्रधारा ब्रिज। सहस्त्रधारा ब्रिज है ये, और सामने है, चलो बिल्कुल स्ट्रेट चलो, गौ माता है। रास्ता तो बहुत अच्छा है आपको यहाँ। यहाँ पे होम स्टे वगैरह भी है, अगर आप जैसे कभी आ रहे हो तो रात को आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो इजी। तो ये जगह है सहस्त्रधारा। पानी पहाड़ों से आ रहा है यहाँ पे, बड़ी जगह है भाई। सहस्त्रधारा के मशहूर छोले कुलचे भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। सामने मेरे को दुकान दिख रही है अभी। रास्ता बहुत अच्छा है, प्यारा है, और बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है। कितने बजे? देखो नदी है बीच में ना, यहाँ पे ये नदी हमारी। तो यहाँ पे जो है सामने जो ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पे नदी है जो है कि सहस्त्रधारा इसको बोलते हैं, और बड़ी अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है। शीशे बंद कर लूँ, लिपट ना आ जाए। अब इस ब्रिज के ऊपर से हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद रास्ता कट बंद हो जाता है क्या? नहीं, नहीं, आगे भी जाता है, ऊपर जगह में जाता है, मतलब पहाड़ों पे। अच्छा,
आगे है सहस्त्रधारा पर। अच्छा, तो सहस्त्रधारा मतलब यहाँ से 100 मीटर आगे है? नहीं, मेन चार जगह यही है। तो नीचे वहीं से जाते हैं ये सब? यहाँ पे घाट बने हुए हैं होटल के बराबर में, सीढ़ी नीचे रखते जाना नहाने के लिए। अच्छा, हवा देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया चल रही है। ये विलेज है मेरे, सहस्त्रधारा प्राचीन शिव मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार। गंडक जल निकलता है, गंडक जो होती है ना, गंडक का जल निकलता है। गंडक, गंडक का मतलब क्या होता है? गंडक का पानी होता है। अच्छा, सीधा चलो। बड़े फंकी जो होते हैं ऊपर गुफा बनी है, गुफा में मंदिर बना हुआ है, गुफा में शिवलिंग है छोटा सा। अच्छा, गंडक के झरने, गंडक के पानी में इसको थोड़े दिन से शिकायत है, तो नाम सब मानने के लिए। लेकिन मान्यता होनी चाहिए अपने दिल में, नहीं ऐसा भी तो होता होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ही आ जाओ है। इस पर तुमने हीरे ठीक करे अपने? जंगल है तो चलते ना आगे। तो आगे और चलते हैं। नितिन कह रहे हैं कि यहाँ पे जंगल है, पार्क वगैरह घूमने के लिए बने हुए हैं। अच्छा, जय श्री गणेश। नदी की आ रही नीचे, नहीं है ये है कि इधर राइट ही है, अगर कभी गाड़ी मोड़ने की जगह ना हो यार। अरे मिल जाएगी ना। ग्राम पंचायत सेरा गांव आगमन पर आपका हार्दिक अभी राणा के गांव पड़ते हैं। अच्छा, मेला राणा, मेला राणा थोड़ी वीडियो हिल रही है दोस्तों, माफ करना, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। बड़ी कर लो लाइट है। फील हो रही है यहाँ पे, क्या है ये रास्ता जा रहा है चामासारी, मजाड़ा और सहस्त्रधारा। यहाँ पे हम सहस्त्रधारा पे अभी हम हैं, तो कहाँ चले, मजाड़ा या चामासारी? मौसी रहती है, सब समझ में आ जाता है। मौसी चल रहे हैं भाई, ये लोग यहाँ पे रहते हैं क्या? ये सब बने हुए हैं मकान देखो। अच्छा, ये पूरा गांव है, स्कूल है यहाँ पे। भाई सुबह का नजारा तो बड़ा अच्छा होगा यहाँ पे। है बिल्कुल, हवा कहाँ पे मैंने भूला हुआ ना कैसे यहाँ पे। तो गांव की तरह है बिल्कुल, एकदम बढ़िया। वैसे ये रास्ता बड़ा अच्छा है इसमें, यहाँ पे देखो तूड़ी वूड़ी पड़ी हुई है, नदी गांव वाली फीलिंग होती है ना। सुबह सुबह दिन निकलता ना हल्का हल्का, उसमें तो मजा ही आ जाएगा भाई यहाँ पे। ये क्या है भाई,
जूबा कैफे, मतलब यहाँ पे कोई रिजॉर्ट्स और स्टे के लिए, ये तो पूरे पहाड़ी है वैसे भाई, पहाड़ पे चल रहे हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे बगल में कोई मोटेल वोटेल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, है ना, सीधा नीचे जाओगे। सही बोल रहा है भाई, कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं लगता कहते हैं। तो आगे यहाँ पे जगह मिलेगी वहीं रूट ले लेंगे, क्यों भाई। भाई तो बहुत खतरनाक जगह है भाई, यू टर्न मारना पड़ेगा आगे से, कहीं से यहीं से, हाँ यहीं से, यहीं से लेते हैं भाई, तो बहुत गंदे पहाड़ आ गए भाई। ये देखो भाई, वापिस जाने का समय, कैसे खड़े हैं, हाँ पत्थर के है पूरे कतई, कैसे खड़े हैं यहाँ पे, लैंडस्लाइड हो रखी है। ये देखो भाई, लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे पूरा, पत्थर गिरे हुए। भाई तुमने तो मेरे को भी डरा दिया यार। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें यहाँ पे थोड़ा सा डर लग गया है, जितना रिस्क उतना लो जितना ले सको, नहीं भाई बिल्कुल। रात का समय है, आधी रात, 4 बजने वाले हैं कुछ टाइम में, और हम यहाँ पे लैंडस्लाइड के बीच में घुस गए आगे, इससे पहले कि कुछ दिक्कत हो, इससे पहले कि हम सेफ जगह पे पहुँच जाते हैं। न्यूट्रल डाल दो हैं, गाड़ी हमने न्यूट्रल पे डाल दी है, ब्रेक पे पैर रख दिया है। भाई जगह तो खतरनाक थी आगे, और नहीं आगे तो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। छोटी लाइट रखता हूँ, बड़ी छोटी रख लो तो डला है ना। तो आज नितिन ने बड़े अच्छे से हमें सैर करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू सो मच ऐसी जगह लाने के लिए, जंगल दिखाने के लिए है। सुबह अच्छा भाई, सुबह तो मजा आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन सच में, लेकिन रात का थोड़ा सा मजा अलग होता है, मतलब थोड़ी सी कभी कभी तो खुराफाती कर सकते हैं, देखने के लिए आए थे वो नहीं दिखा रहे। अच्छा है भैंस की आंख दिखे भी ना, यही ठीक है भाई, सामने कुछ खराब है यार। हैं कहाँ है भाई, डरा मत तू मेरे को। भाई शीशा तोड़ देंगे वो, अंदर घुस जाएंगे घंटा कुछ भी। अरे लोग है ना गाड़ी देख खिड़की खोल नहीं आती है कन को। भाई आजकल शरारती हो गए सब, क्या बात कर रहे हैं। आगे सच में लैंडस्लाइड हो रखी थी भाई, लैंडस्लाइड में बोला ना पूरी पहाड़ गिरा हुआ है, पता लगे आगे वहां रास्ता ही नहीं है, तो वैसे तो गांव है लेकिन फिर भी पहाड़ों का कुछ पता नहीं ना, वो नुकीले पहाड़ है, पत्थर बहुत है भाई, नुकीले पहाड़ है। दोस्तों हम वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और होप करता हूँ कि आपने भी इन्जॉय करा होगा इस रास्ते को हमारे साथ साथ। और बस वैसे छोटा सा एक ब्लॉग बना लिया मैं, चलो आज एक नए रास्ते पे जा रहे हैं जंगल वाले पे, तो तुमने छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए, तो इस चक्कर में मैंने अपना कैमरा खोला और ब्लॉगिंग थोड़ी सी शुरू कर दी। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बस हम वापस जा रहे हैं। वो क्या होता है, अच्छा हाँ, बस सामने समय देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले सफ़र में कहीं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया हमारा ब्लॉग देखने के लिए, जल्दी मिलते हैं, गुड नाइट, स्वस्थ रहिए और रोग मुक्त रहिए, क्या क्या बोल रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।